का पहला सवाल है, संविधान निर्मात सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जेबी कृपलानी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका दूसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए महाभारत, बी रामायण, सी पंचतंत्र, डी रघुवंशम। इसका सही जवाब है ए महाभारत। आपका तीसरा सवाल है, शरीर के किस अंग का पहली बार एक्सरे किया गया था? आपके ऑप्शन है ए दांत का, बी हाथ का, सी सिर का, डी पैर का। इसका सही जवाब है बी हाथ का। आपका चौथा सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 3 जनवरी 1531, बी 5 नवंबर 1556, सी 9 फरवरी 1565, डी 10 जून 1573। इसका सही जवाब है बी 5 नवंबर 1556। आपका पांचवा सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रीढ़ की हड्डी, बी हाथ की हड्डी, सी कान की हड्डी, डी जांघों की हड्डी। इसका सही जवाब है डी जांघों की हड्डी। आपका छठा सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए भील जनजाति, बी गोंड जनजाति, सी संथाल जनजाति, डी कोडाबा जनजाति। इसका सही जवाब है ए भील जनजाति। आपका सातवां सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुखदेव, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है बी भगत सिंह। आपका आठवां सवाल है, मक्खी के कितने दांत होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 20, डी एक भी नहीं। इसका सही जवाब है डी एक भी नहीं। आपका नौवां सवाल है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही जवाब है बी चंद्रगुप्त। आपका दसवां सवाल है, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? आपके ऑप्शन है ए पीपल, बी क्रासुला, सी नीम, डी तुलसी। इसका सही जवाब है बी करासुला।